ह्युंडई अल्काजर जो कि क्रेटा पे बेस्ड ह्युंडई की एसयूवी है। बात शुरुआत करें चाबी से तो लॉक अनलॉक, इंजन स्टार्ट स्टॉप और बूट ओपनिंग के साथ बेसिक की आपको देखने को मिलेगी। अब शुरुआत करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से, तो ये गाड़ी क्रेटा पे बेस्ड है लेकिन कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं जिससे कि ये एक अलग अपनी पहचान लेकर आती है। जैसे कि फ्रंट ग्रिल में आपको ज़्यादा क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। ये जो हेडलाइट्स है वो क्रेटा की ही है, ऊपर LED DRL है, यहाँ पे LED लाइट्स है लेकिन बीच में थोड़ा सा क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है क्रेटा से, क्योंकि ये क्रेटा का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो आप अभी के अभी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके थॉट्स, ताकि यूट्यूब ये वीडियो और लोगों को रेकमेंड करे। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए अब अगर गाड़ी में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक का बैज है क्योंकि ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। अगर हम व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको एलॉयज़ मिलेंगे 18 इंचज़ के, और ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पडल लैम्प जो कि ह्युंडई का लोगो रिफ्लेक्ट करेगा, और कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक कैमरा आपको फ्रंट में भी देखने को मिलेगा क्योंकि इस जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलता है। अगर साइड की हम बात करें तो ये एक प्रॉपर एसयूवी है, काफ़ी अच्छा इसका प्रोपोर्शन है और साइड प्रोफाइल से भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी नीटली इंटीग्रेट लगती है। ये जो वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं वो टॉप एंड वेरिएंट है, जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा। डोर हैंडल्स पे दोनों तरफ आपको क्रोम्स की फिनिश देखने को मिलेगी। ऊपर हमारे पास शार्क फिन एंटीना है और पैनारोमिक सनरूफ भी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा प्रोपोर्शन है और काफ़ी भर भर के फीचर्स ह्युंडई ने हमें दिए हैं इस गाड़ी में। अब अगर बात करते हैं इसके रियर व्यू के बारे में तो रियर व्यू काफ़ी डिफरेंट है क्रेटा से, जैसा कि आप देख के ही समझ रहे हो। यहाँ पे हमें ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिलेगी और चार रिवर्स जो सेंसर्स है वो देखने को मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा है तो गाड़ी काफ़ी आपका काम अच्छा कर देगी, और पीछे का लुक भी काफ़ी नीट क्लीन और अच्छा है, जहाँ पे आपको अल्काज़र की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी और पीछे भी आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में, तो सबसे पहली जहाँ मेरी नज़र गई वो है इसके ये ब्राउन इंटीरियर पे, और साथ में आपको बोस का साउंड सिस्टम भी देखने को मिलेगा। सारे विंडो से रिलेटेड कंट्रोल आपको डोर में देखने को मिल जाएंगे, और ये इसका कॉकपिट है। इंटीरियर है काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट वाली सीट्स भी देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। नीचे डेट पेडल है और ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो क्लच वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी अगर हाईलाइट की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो है इसका डिजिटल क्लस्टर, काफ़ी अच्छा और एक यूनिक, मतलब एक प्रीमियम फील, प्रीमियम टच आपको ये देता है, जहाँ पे आपको ट्रैक्शन मोड कंट्रोल्स, जो ड्राइविंग स्पोर्ट्स कंट्रोल है वो जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपका ये जो डिजिटल डिस्प्ले है वो भी ऐसे रिएक्ट करेगा। ये जो सारे फीचर्स है वो रिलेटेड है इंफोटेनमेंट सिस्टम को लेके। पैडल शिफ्टर्स भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे, और ये जो सारे कंट्रोल्स है वो क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड है। यहाँ पे इसी का वेंट है, नीचे स्टार्ट स्टॉप का बटन भी आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा अगर बात करें तो ये जो ब्लैक एंड ब्राउन का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा लुक इंटीरियर को प्रोवाइड करता है। इंटीरियर में भी काफ़ी सिमिलर आपको क्रेटा जैसा ही लगेगा। ये जो 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी क्रेटा जैसा ही है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगा, और ये है इसका ऑटोमेटिक गियर जो नॉब है। यहाँ पे ड्राइव और ट्रैक्शन मोड सिलेक्ट करने के लिए आपको लीवर मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगी, ऑटो होल्ड का फीचर भी इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, और 360 डिग्री व्यू वाला कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो बॉटल होल्डर्स है और एयर प्योरीफायर सिस्टम है, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ हैंडरेस्ट के नीचे भी देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, और ये जो डिजिटल डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको जो रियर व्यू मिरर मिलेगा वो भी ऑटोमेटिक मिलेगा, और साथ में आपको पैनारोमिक सनरूफ भी बेसिक मॉडल से देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा पैकेज है आपके लिए कि बेस मॉडल में भी आपको एलॉयज़ मिल रहा है, पैनारोमिक सनरूफ मिल रहा है,
और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे पर्सनली इस गाड़ी के बारे में काफ़ी अच्छी लगी है, वो है रियर कैप्टन सीट। काफ़ी कंफर्टेबल इसकी सिटिंग है। रियर में भी आपको 6 या 7 सीटर की ऑप्शंस, मतलब कि आपको कैप्टन सीट चाहिए या रेगुलर बेंच चाहिए, वो ऑप्शन आपके पास है। रियर एसी वेंट्स है, रियर चार्जिंग सॉकेट है। और दूसरी अगर बात करें तो रियर में अगर आप 6 सीटर ऑप्शन लेते हो या तो रियर में भी आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगा। और क्या चाहिए भाई, पीछे भी अगर आपको चार्जिंग पोर्ट वायरलेस मिलता है एज वेल एज पोर्ट भी मिलता है। और पीछे की अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करें तो काफ़ी स्पेशियस जगह भी आपको देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं थर्ड रो के बारे में। एक्चुअली थर्ड रो के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले बात करें कि ये वन टच अप डाउन है, तो आप इजीली पीछे वाली सीट पे जा पाओगे। आपको मतलब इतना कोई फिजिकल नहीं करना पड़ेगा, एक ही लीवर प्रेस करोगे और वो सीट अपने आप फोल्ड हो जाएगी। यहाँ अगर पीछे की सीट फोल्ड नहीं होती है तो इतना आपको लगेज स्पेस मिलता है। अब हम बात करते हैं कि पीछे अगर सीट को अगर हम ओपन करें और ये चाबी से आप इसको दबा रखोगे तो ये जो बूट है वो ओपन हो जाएगा। और बूट के खुलते ही आप देख पाओगे कि ये अभी जो पीछे वाली जो सीट्स है वो फोल्ड हुई है, तो काफ़ी आपको लगेज एरिया भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम इस सीट को अनफोल्ड करते हैं, जैसे कि आपने देखा कि ऐसे उसको खींच के अनफोल्ड किया जा सकता है और यहाँ से आप थर्ड रो में एंट्री ले पाओगे। अब जनरली अगर मैं बात करूँ आपको तो ये गाड़ी में नहीं, पर्टिकुलर सारी गाड़ी में जो लास्ट वाली रो होती है वो बच्चों के लिए होती है, तो उसे बच्चों के लिए ही रहने देते हैं। यहाँ आपको एसी के वेंट्स मिलेंगे और एसी का एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिलेगा और चार्जिंग सॉकेट भी आपको 2 देखने को मिलेंगे, वो काफ़ी अच्छी बात है। तो अब हम चलते हैं अल्काज़र की ड्राइव पे। वैसे बेसिकली सारी बातें सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन फिर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो इसके इंजन वेरियंट्स के बारे में बात करना इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में बात करना होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ह्यूंडई अल्काज़र में आपको 2 इंजन ऑफरिंग देखने को मिलती है ह्यूंडई की तरफ से। 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और 2 लीटर पेट्रोल इंजन। जो 1.5 लीटर डीजल इंजन है वो आपको सेम जो क्रेटा में देखने को मिलता है वो ही आपको देखने को मिलेगा। तो पावर आउटपुट, टॉर्क आउटपुट सारा वो सिमिलरली बेसिकली क्रेटा के जितना ही आप मान लो। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गाड़ी पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में इतना डिफरेंस नहीं है, मतलब कि 25,000-30,000 का ही डिफरेंस है, तो ज़्यादातर लोग डीजल गाड़ी लेना ही प्रिफर करेंगे एज़ पर माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। ड्राइव काफ़ी अच्छी है, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो ऑटोमेटिक इसका गियर लीवर है। यहाँ से ड्राइविंग मोड्स भी आप सिलेक्ट कर पाओगे। अभी गाड़ी स्पोर्ट्स में ही चल रही है, स्पोर्ट्स मोड में, तो काफ़ी पावर आउटपुट भी इसका अच्छा है। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि ये 7 सीटर गाड़ी है तो थोड़ा सा पावर लेने में देर लगाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इसका पावर आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट कि क्रेटा से ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वेट बैलेंसिंग भी गाड़ी का अच्छा है। और स्पोर्ट्स में आप देखते हो तो इंस्टेंटली जो फील मिलता है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, और इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी बड़ी है तो आपको मतलब ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा है। बॉडी रोल भी इसमें देखने को नहीं मिलता है, जो कि एमजी हेक्टर में हमें देखने को मिला था, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है। ड्राइव वॉज अमेजिंग, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी इसका काफ़ी अच्छा है, और ड्राइव तो आप देख ही रहे हो, और ह्यूंडई की गाड़ी है तो इंटीरियर में और ड्राइव तो स्मूथ ही रहेगी। और इंजन केबिन नॉइज भी इतना नहीं है, अभी स्पोर्ट्स मोड में है, फिर भी केबिन के अंदर सिर्फ एसी के जो ब्लोअर्स है उसकी ही नॉइस आ रही है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके थॉट्स और जो कोई भी आपके क्वेश्चंस हो इस गाड़ी से रिलेटेड। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी दिन ऐसे ही वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।